अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन। आइए दोस्तों, बनाते हैं कुल्फे की कतली तूर दाल के साथ इन हैदराबाद स्टाइल में। देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है। चॉप की हुई ग्रीन चिली, हल्दी, नमक, टमाटर, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, इमली, कुल्फे की भाजी, तूर दाल, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। हम इमली को 1 से 2 पानी से वॉश कर इसे हम भिगो कर रखे थे। तूर दाल को भी 1 से 2 पानी से हम वॉश कर इसे 1 घंटा पहले भिगो कर रख लिए थे। सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम तूर दाल ऐड करेंगे। तूर दाल जो भिगो कर रखे थे वो पानी फेंक दिए हैं हम। तो इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐड कर लेंगे। चॉप की हुई 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और कुल्फे की भाजी को हम साफ़ कर धोकर ले लिए हैं, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम कुकर को लीड से कवर कर लेंगे। 4 से 5 सीटी ले लेंगे। जब तक सीटी आते हैं हम इधर इमली से खट्टा निकाल कर ले लेंगे। अपने हाथों की मदद से इमली को हम मैश करेंगे। मैश कर अच्छी तरह से हम स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि छन्नी की मदद से हम इमली को छान कर इसका खट्टा निकाल लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर एक बार मैश कर फिर से हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। जितना हम इसमें से खट्टा निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। फिर इसमें हम इसमें कड़ी पत्ता और हरा धनिया ऐड करेंगे। ऐड कर एक साइड में रख लेंगे। ये हम दाल गलने के बाद डालेंगे। यहाँ पर हमारे 4 से 5 सीटी आ चुके हैं। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, लीड को ओपन कर लेंगे। हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। हम दाल, कुल्फा, टमाटर सभी चीज़ों को अच्छे से हम दाल घोटने की मदद से सभी चीज़ों को घोट लेंगे। इस तरह से हम मैश कर लेंगे। उसके बाद हम इमली का खट्टा जो निकाले थे उसमें हरा धनिया, कड़ी पत्ता भी डाले थे वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी डालकर, हमें जितना लूज चाहिए उतना पानी डाल लेंगे। नमक टेस्ट कर नमक भी ऐड कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अभी हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक बॉईल आने के बाद भी पकाते रहेंगे मीडियम हीट पर, ताकि हमारी इमली की खट्टे की कच्ची स्मेल निकल जाए। मीडियम फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारी दाल नीचे से ना पकड़े। 4 से 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। दाल को हम बॉल में ट्रांसफ़र भी कर लेंगे। अभी हम देंगे तड़का। तड़का देने के लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल को गरम कर लिए हैं। 1 चम्मच इसमें हम ज़ीरा ऐड कर लिए। ज़ीरा हमारा तड़क रहा है। तड़कने के बाद हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। राई भी हमारी अच्छी तरह से तड़कने के बाद हम इसमें 3 से 4 सूखी मिर्ची, थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़े से लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें हींग ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। कलर चेंज होने के बाद हम कुल्फे की कतली में ये तड़का दे देंगे इस तरह से। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा कुल्फे की कतली तूर दाल के साथ बनकर हैदराबाद स्टाइल में तैयार है। हम इसे रोटी और स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।